दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास ये हायर इंडोर की पीसीबी आई है हमारी नॉन इन्वर्टर। कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर हमारा जो कंप्रेसर के रिले है ना, ये कभी ऑन हो जाती है कभी होते ही नहीं है। अगर हो जाती है तो दोस्तों मुश्किल से 10 मिनट जो है कंप्रेसर इसके अंदर रन करता है, उसके बाद जो है ट्रिप हो जाता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह हुआ था इसके अंदर, ये चूहा जो है ये सेंसर जो था ना इसका, ये काट दिया था दोनों सेंसर जो है। फिर टेक्नीशियन ने अपने हिसाब से इसके अंदर जो है कॉइल और रूम के जो है सेंसर अटैच किया, लेकिन रिले तो ऑन हो जा रही है, लेकिन उनका कहना ये भी है कि ये कभी ऑन होती है कभी होते ही नहीं। तो हम जो है दोस्तों इस फॉल्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको भी जो है दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको जो है इसका अटैचमेंट करना होगा, सारे जो इसके एसेसरीज है, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, फिर ये पीजी मोटर है, ये ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी एरिया है, ये नहीं सॉरी ये फीडबैक का है, ये हमारा है, ठीक है। ये हमने अटैच कर दिया, पावर कार्ड दीजिएगा ज़रा। दोस्तों हमने ये इसका ट्रांसफार्मर और ये पावर कॉर्ड जो है इसके अंदर अटैच कर दिया, ये डिस्प्ले है। अब इसके अंदर हम ये पीजी मोटर जो है अटैच करेंगे। अब इसका ये फीडबैक का जैक जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि माइक्रो कंट्रोलर को जो है मोटर का फीडबैक जो है मिलता रहे हॉल सेंसर इफेक्ट के थ्रू। तो ये कंप्लीट जो है ये हो चुका है, अब इसको हम सप्लाई देते हैं। दोस्तों इसको जो है सप्लाई दे दिया, E1 एरर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये सेंसर जो है अलग हो चुका है, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये मोटर चल पड़ी है, ये डिस्प्ले में एरर भी हमारा हट चुका है। ये लाइट जो है हमने ऑफ कर दी, ताकि जो है अच्छे से डिस्प्ले जो है विजिबल हो पाए। तो ये लाइट ऑन कर दिया फिर से, अब देखते हैं हमारी रिले स्विच हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों ये कॉइल सेंसर भी कट चुका था, इसका ओरिजिनल जो है सेंसर इसके अंदर अटैच नहीं है, ये रेंडमली किसी को भी उठा के इसके अंदर जो है डाल दिया गया है। तो हम एक बार जो है सेंसर के जो हमारी जेक है ना, यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली जेक हमारी रूम के लिए यूज हो रहा है, देखिए इसके अंदर 1 वोल्ट के आसपास बन रही है हमारी, 907 मिली वोल्ट जो है। और वहीं अगर ये पाइप साइड में देखें या कॉइल साइड में, तो देखिए 3 वोल्ट बन रही है डिवाइड हमारी। तो ये मोटर चल रही है अभी तक जो है, सीपी तो आया नहीं है, अपन देखते हैं क्या टाइम लेता है। वैसे तो हर पीसीबी के अंदर जो है 3 मिनट का टाइम डिले होता है नॉन इन्वर्टर के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है।
अभी तक तो कोई एरर भी नहीं आया, साथ में हमारी रिले भी ऑन नहीं हुआ। देखते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। दोस्तों अभी तक तो जो है रिले ऑन हुआ नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। देखते हैं 1-2 मिनट और वेटिंग करते हैं इसमें। तो दोस्तों टिक की आवाज़ आई, मतलब ये सीपी ऑन हो चुका है हमारा, ये रिले स्विच कर चुके हैं। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, ये जैसे ही 4-5 मिनट चलेगा हमारी गैस के साथ जो है, उसके बाद इसके अंदर ट्रिपिंग का फॉल्ट आ जाता है, यानी हमारा कंप्रेसर जो है फिर से बंद हो जाता है और वही 4-5 मिनट के बाद फिर से चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये सेंसर से रिलेटेड है, हम जो है दूसरा सेंसर इसके अंदर जो है अटैच करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन के आधार पे। तो इसको ऑफ करते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा ट्रेसिंग करते हैं कि इसकी क्या मसला है पीछे जो है। ये स्विच ऑफ कर दिया हमने, इसको साइड करते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, दीजिएगा थोड़ा सा रजिस्टर। दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये रूम एयर सेंसर साइट का है ये जो है। तो दोस्तों ये सर्किट डायग्राम जो है, ये जो रूम के लिए जो भी सेंसर लगा है ना यहाँ पे, उसका ही सर्किट है, बाकी पाइप का भी सेम है। तो हम एक साइड को जो है समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इधर वाला समझ में आ जाएगा ऑलरेडी जो है। तो दोस्तों ये हमारा थर्मिस्टर का जेक है, ये हमारी पॉजिटिव 5 वोल्ट जो है यहाँ पे है, बीच में हमारी थर्मिस्टर लग जाती है। उसके बाद ये सर्किट जो है ना, देखिए एक 0 ओम के रजिस्टर के साथ यहाँ पे आ गई, फिर हमारी एक रजिस्टर ग्राउंड से लगी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं। फिर इसी वोल्टेज को दोस्तों हम एक रजिस्टर के माध्यम से करेंट लिमिट करके जो है माइक्रो कंट्रोलर को दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारी पीएफ लगा हुआ है, नॉन पोलर जो है कम वैल्यू का, ये क्या करेगा, रिपल्स को हटाने के लिए है। और वहीं अगर पीछे देखें तो एक हमारी पोलर कैपेसिटर लगी हुई है, जो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये स्मूथ करने के लिए है सप्लाई को। और ये हमारी 0 ओम की है, जो कि ये वाली रजिस्टर है हमारी। दोस्तों अगर ये बायस रजिस्टर की बात करें, जो हमारी ग्राउंड साइड से लगी हुई है, जो R2 के लिए काम कर रही है हमारी रजिस्टर, ये हमारी 20K की है दोस्तों। तो ये वाली रजिस्टर, सॉरी ये वाली थर्मिस्टर का वैल्यू हमको जो है दोस्तों एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन दीजिएगा ज़रा,
तो दोस्तों जैसे हमको यहाँ पे जो है 2.5 वोल्टेज अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी थर्मिस्टर है ना इसको भी 20K का लगा देंगे, तो ये वोल्टेज जो है 2.5 हो जाएंगे यहाँ पे। और इधर हमारी जो कॉइल के लिए हमारी R2 यूज हुआ है ये 3.3K का है, तो इधर हम क्या है 4.7K का यानी 5 किलो का लगा देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है पहले 20K का जो है लगा करके देखेंगे, फिर अपन डिवाइड चेक कर लेंगे डिवाइडर पे कितने वोल्ट बन रहे हैं हमारी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 2.5 वोल्टेज अगर बनेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इसी वोल्टेज को दोस्तों जैसे ये हमारी 2.5 वोल्ट है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये लगभग 25 डिग्री के आसपास इसका जो टेम्परेचर है ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे रीड करेगा। क्योंकि दोस्तों ये वाली हमारी थर्मिस्टर है ये 5 वोल्ट के साइड में लगी हुई है, यानी R1 के लिए यूज हुआ है ये हमारी, ये R1 ये R2। अगर ये वाली हमारी थर्मिस्टर अगर यहाँ पे यूज होती तो दोस्तों हमारी वोल्टेज जो है घटती टेम्परेचर के साथ, जैसे ये वेरी करेगी तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर भी जो है कम होगा। अगर हमारी थर्मिस्टर ये पॉजिटिव साइड से लगी हुई है R1 के लिए तो ये हमारी वोल्टेज जो है कम होती है, जब यहाँ वोल्टेज कम होंगे डिवाइडर का तो यहाँ पे ये टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। अगर ये वाली थर्मिस्टर हमारी इस साइड में है तो हमारी वोल्टेज जो है बूस्ट होती है, बढ़ जाती है ये थर्मिस्टर के वेरी करने से। तो दोस्तों यही कैलकुलेशन रखना है आपको, ये 2.5 जैसे हम 30 डिग्री के हिसाब से, अभी तो 30 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर जो है, तो हम 30 डिग्री के हिसाब से जो है इसको एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 किलो का जो है थर्मिस्टर पहले यूज करके देखेंगे इस बोर्ड के अंदर, और हम क्वाइल साइड में जो है 4.7 का यूज करेंगे। दोस्तों ये वाली हमारी थर्मिस्टर है, हमको तो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है पता नहीं है, इस बोर्ड के अंदर कितने के का जो है हमारी थर्मिस्टर यूज हो रहा है इसके अंदर, हम क्या है एवरेज लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला लगाना है, जैसे यहाँ पे 2.4 हो जाएंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 डिग्री पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर हमारा, तो ये दोस्तों 16 डिग्री तक हमारी एडजस्ट होंगी, ये वाली हमारे ये वाला थर्मिस्टर जो है काम करेगा अच्छे से। अगर दोस्तों इसी सेंटीग्रेड को अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये हमारी सेंटीग्रेड है ना 25, इसको 25 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर इसको 9/5 प्लस, सॉरी 5 प्लस ये 32 करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं इसको, तो ये हमारा कैलकुलेटर आ चुका है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 25 × 9/5 करेंगे, फिर प्लस कर देंगे इसके साथ 32, तो दोस्तों ये 77, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है ना, हमारा जो 25 डिग्री आ रहा था यहाँ पे वो हमारा 77 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेल्सियस से आप अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों इसमें देखिए एक यूनिट कन्वर्टर का फीचर है इसके अंदर, तो हम इसको एक्चुअल जो है आ रहा है कि नहीं वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन है वो फिक्स बैठ रही है कि नहीं वो अपन कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा टेम्परेचर था
25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ भी जो है 77 आ गया और हमारा यहाँ भी 77 है, ठीक है। तो ऐसा आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, सॉरी। अब दोस्तों हम यहाँ के लिए डिवाइडर जो है निकालेंगे, कितना बन रहा है हमारा डिवाइडर। तो ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम जो है ये वोल्टेज डिवाइडर निकालेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमारा टोटल वोल्टेज है दोस्तों इसके अंदर 5 वोल्ट है, जो हमारी R1 है वो 5 वोल्ट से है। तो ये R2 हमारी 20 के हैं, यहाँ पे 20 लिख लेते हैं इसको। तो ये 20 हो गया और हमारी थर्मिस्टर की वैल्यू है 21 के आसपास। तो हमारा दोस्तों वोल्टेज जो है 2.4 वोल्ट जो है बनेंगे किसके लिए, यहाँ पे रूम सेंसर के लिए, ठीक है। सेम कैलकुलेशन दोस्तों हम कॉइल के लिए भी कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है। तो दोस्तों बोर्ड को लेके आते हैं इसके जगह पे, इसको साइड कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो ये बोर्ड जो है लेके आ गया दोस्तों। तो हमारे पास जो ये सेंसर है ना, इसकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ये हमारी ब्लू कलर की है ना, ये हमारी एयर के लिए है और ये हमारी ट्यूब के लिए है। तो इसका एक बार वैल्यू देख लेते हैं ज़रा क्या है। तो ये हमने इसको रेजिस्टेंस मोड में सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए ये 4.6 की है दोस्तों। हमारे पास तो आधा वैल्यू की नहीं है, जो बायस रजिस्टर के हिसाब से हो रहा था हमारी। और ये वाली है हमारी 20 किलो ओम का। तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 या 2.4 वोल्टेज जो है बन जाएंगे डिवाइडर में, क्योंकि इसके अंदर भी तो कुछ टॉलरेंस होती है ना, लीनियर है। तो दोस्तों इसके अंदर तो ये सेंसर जो है अटैच नहीं होगा, क्योंकि इसका जो जैक है दूसरे टाइप का है। देखिए इसके अंदर तो ये जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जैक भी चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको ये वाला जैक जो है यूज करना है इसके अंदर। तो इसको ज़रा निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने ये जैक जो है बाहर निकाल दिया। अब इसकी होल को जो है क्लीन कर लेंगे। तो उसको क्लीन करने के लिए हम ये डिसोल्ड विक का यूज करेंगे। तो ये होल जो है क्लीन हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो है इसको अटैच करेंगे। दोस्तों ये जैक जो है आपको देख के लगाना है, क्योंकि हमारा रूम सेंसर इधर अटैच होगा और हमारी पाइप सेंसर जो है इधर अटैच होगा। तो इसको ऐसे लगाना है, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर ये एयर सेंसर है ना, इधर है हमारी राइट साइड में और लेफ्ट में हमारी कॉइल की सेंसर है। तो इसको सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसको सोल्ड कर दिया, एक बार क्लीन कर लेते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो दोस्तों हमने तो ये सेंसर अटैच कर दिया जैक के साथ। अब इसको जरा पावर सप्लाई देते हैं एक बार।
तो दोस्तों इसके अंदर हमने जो है ट्रांसफार्मर लगा दिया, मोटर तो बाद में लगा लेंगे, एक बार हमारा जो डिवाइडेड वोल्टेज है वो देख लेते हैं। तो ये सप्लाई दे दी इसको, दोस्तों हमने जो है क्वाइल के लिए 2.4 वोल्ट जो है काउंट किया है, देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी वोल्टेज जो है परफेक्ट आ चुकी है, और इधर की अगर वोल्टेज देखें तो यहाँ भी लगभग ठीक ठाक ही है। तो ये दोस्तों एक्चुअल इसका जो है वोल्टेज है सेंसर के हिसाब से। अब हम इसके अंदर जो है मोटर अटैच कर लेते हैं एक बार, हो रहा है कि। तो दोस्तों हमने ये मोटर अटैच कर दिया इसके अंदर, अब सप्लाई देते हैं इसको। सप्लाई दे दिया दोबारा से, तो ये मोटर चल गई। दोस्तों अगर किसी भाई को जो है अच्छे से प्रैक्टिकल को लेकर के अगर काम सीखना है तो वो एडमिशन ले सकता है अभी, क्योंकि बोर्ड जो है बाहर से आना चालू हो गया है रिपेयरिंग के लिए। क्या है कई भाई को क्या है प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आता है, थ्योरेटिकल जो है समझ में नहीं आता। तो उनके लिए हम जो है इस बार गर्मी में भी जो है ट्रेनिंग अपना जो है चालू रखेंगे। तो जो भाई अगर प्रैक्टिकली करना चाहता है ज़्यादा, वो एडमिशन ले सकता है अभी, कांटेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं रिले की सप्लाई आती है कि नहीं आती है। तो दोस्तों इसके अंदर सीपी आ चुका है, ये बल्ब लगा के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से न्यूट्रल लेना है, तो देखिए हमारी सीपी आ चुकी है। अब दोस्तों ये बोर्ड जो है परफेक्टली काम करेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑन होने के बाद भी या कंप्रेसर ऑन होने के बाद भी। तो यही जानकारी थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।